हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दैनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MSI 09 का लेसन 10 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे गांधी जी के उदय के बारे में। गांधी जी का उदय हुआ किस प्रकार से, साउथ अफ्रीका से लेकर भारत को आज़ादी मिलने का जो सफर रहा 1947 तक का, उसके बीच में गांधी जी बने कैसे, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट वन में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। पार्ट वन के अंदर में हमने बात किया था गांधी जी के राजनीतिक दर्शन के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ साउथ अफ्रीका एक्सपीरियंस। गांधी जी ने जो साउथ अफ्रीका के अंदर में समय बिताया, वहाँ के जो भारतीय लोग थे, जो साउथ अफ्रीका के लोग थे, जिस तरह की उनकी स्थिति थी, चाहे आप वहाँ पे नस्लीय भेद की बात करो, रंग भेद नीति के बारे में बात करो, या फिर जो उनके ऊपर में जो शोषण हो रहा था अपने वैश्विक शासक का, उसके बेसिस पे किस प्रकार से राजनीतिक दर्शन उन्होंने अपना विकसित किया, और उस दर्शन का, उस एक्सपीरियंस का, अनुभव का किस तरह से भारतीय राजनीतिक में उपयोग किया, इसको हमने पार्ट वन के अंदर में बात किया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर में हम पार्ट टू के बारे में बात करेंगे। पार्ट टू के अंदर में हम बात करेंगे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी, किस प्रकार की थी, जिसके कारण से यहाँ पे आंदोलन हुआ, और एक तरह से भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम था, भारत को जो आजादी दिलाने का स्टार्टिंग था, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट भी इसका मान सकते हो, सेकंड स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर, क्योंकि जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट था हम 1857 के विद्रोह को मानते हैं, जहां से लोगों के जनमानस के मन में भारत की स्वतंत्रता का भाव आता है, वहां से अंग्रेजों को भगाने का भाव आता है कि अंग्रेजों से हम पीछा छुड़ाएंगे, क्रांति करेंगे, ये भाव आता है 1857 के अंदर में, पहला स्टेप के तौर पर देखा जाता है। पर जो चंपारण आंदोलन हुआ, जहां पे गांधी जी को ये समझ में आता है कि व्हाट इज द पावर ऑफ पीपल, जब लोग आपके सपोर्ट में खड़े हों, जब लोग आपका सपोर्ट कर रहे हो, आपके पीछे बड़ी जनसंख्या में लोग खड़े हों, संख्या में लोग खड़े हों, तब आपको कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको बिना कुछ बोले भी सरकार झुक जाता है, ठीक है। ये गांधी जी को समझ में आता है, आपके कुछ बिना बोले भी जो रूल रेगुलेशन है वो बदल दिए जाते हैं, ये गांधी जी को समझ में आता है। यहाँ पे चंपारण आंदोलन के अंदर में गांधी जी को लोगों का पावर समझ में आता है। तो हम इन तीनों जगह की जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते वीडियो और डिटेल से समझते हैं। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं, ठीक है। लौटने के बाद में कई सारे जो स्थानीय आंदोलन चल रहे थे उनके अंदर में गांधी जी सहयोग करते हैं। स्पेशली हम इन तीनों आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के बारे में। सबसे पहले अगर मैं अहमदाबाद आंदोलन के बारे में बात करूं, तो बिहार के कुछ जिलों के अंदर में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त होता क्या है, तो एक प्रकार का टैक्स था जो लागू किया गया था। इसको कभी किसी और वीडियो के अंदर में डिटेल में समझेंगे कि स्थायी बंदोबस्त किस प्रकार का टैक्स था, क्या क्या चीजें इसके अंदर में आती थी, उसको हम किसी और वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। जो चंपारण के बेतिया, रामनगर और मधुबनी स्टेट थे, इन तीनों जगहों पे जो भी मालिक हुआ करते थे ना जमीनों के, जैसे जमीनों के मालिक का मतलब ये नहीं कि जमीन मेरी है तो मैं मालिक है, ऐसा नहीं। जो जमीन के अधिकांश हिस्सों पे जो नियंत्रण करते थे ना जमींदार लोग, जितने भी जमींदार हुआ करते थे उनका नियंत्रण होता था बड़े-बड़े जमीनों के ऊपर में, तो उन जमींदारों को मालिक के तौर पे माना गया कि जमीन के मालिक हैं, और इनका अधिकांश जमीन के ऊपर में, अधिकांश भूमि के ऊपर में नियंत्रण होता था, डायरेक्टली उनके कंट्रोल में वो जमीन रहती थी। तो यहाँ पे जो जमींदारी व्यवस्था था उसके अंदर में क्या होता था, अगर आप मालिक हो तो आप उस जमीन को प्रत्यक्ष प्रबंध करोगे, जो भी उसके अंदर में रूल रेगुलेशन करना है, जो भी उपज करना है, जिस तरीके से उसका पैदावार करना है, जो भी उसका टैक्स बनेगा आपसे बनेगा, ये रूल रेगुलेशन था। पर जमींदारों ने क्या किया कि इसको प्रत्यक्ष प्रबंध के स्थान पर अप्रत्यक्ष, जो अस्थाई अविधि के लिए ना, कुछ लोगों को उन्होंने जमीन लीज पर दे दिया, किराए पर दे दिया कि भैया ये लो, आपको खेती करना है, आप हमसे जमीन ले लो, किराए पे ले लो, अस्थाई अविधि के लिए, कोई लिमिटेड टाइम पीरियड नहीं कि आप इतने टाइम पीरियड के लिए ले रहे हो। जैसे आज के समय में लीज पे लेते हैं हम, किराए पे लेते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, तो होता है कि चल से भाई 5 साल के लिए चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए, इस तरह का एग्रीमेंट बनता है। पर इन जमींदारों ने क्या किया, अप्रत्यक्ष प्रबंध किया, अप्रत्यक्ष प्रबंध के अंदर में अस्थायी अविधि के लिए, कोई फिक्स टाइम पीरियड के लिए नहीं, पर उन जमींदारकों को, कुछ जो जमींदारक जिनको जमीन चाहिए थी उनको किराए पे दे दिया, उसके बदले में उन्होंने किराया वसूल किया, और जो भी इस खेत में उपज होता था उसका जो भी टैक्स बनता था वो डायरेक्टली किराए लेने वाले जमींदार या जो भी जो व्यक्ति होता था, किसान होता था, उसको पे करना पड़ता था। ये चीजें यहाँ पे रूल रेगुलेशन सेट किया गया जमींदारों के साथ में। अब यहाँ पे होता क्या है कि यूरोपीय विधि के अनुसार में जो भी धारक थे, जो भी कृषि के योग्य, जो भूमि के बड़े भाग पे अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, जिन्होंने भी किराए पे लिया, उन्होंने क्या किया, अपने अंडर में जमीन को ले लिया, अपना कब्जा कर लिया उस पर, और अधिक मुनाफे के लिए क्या किया, नील की खेती करना स्टार्ट किया। जो नील की खेती हुआ करती थी, जैसे आपके घर में कपड़ों में डालने के लिए नील यूज करते हैं, ठीक है, तो नील की खेती करना स्टार्ट किया। नील की खेती के साथ प्रॉब्लम क्या था कि जो भी उपज वाला जो जमीन होता था ना, अगर आप उस पर खेती कर रहे हो नील की, तो धीरे धीरे ये जो उपज है आपकी खेत की ना, उपज जो आपकी उपजाऊ जमीन है, तो धीरे धीरे उपजाऊ शक्ति उसकी कम होती चली जाती थी। नील की जो पैदावार होता था एक तरह से जमीन को बंजर बनाने का काम करता था, और वहां पे जो लोग थे उन्होंने लालच में ज्यादा मुनाफे के कारण से नील की खेती करना स्टार्ट कर दिया।
किसानों ने क्या किया, अनाज की अपेक्षा जो अनाज उनको ये माइंड में आया कि अनाज जो होते हैं ना किसानों के, जो भी अनाज है उसकी उससे ज्यादा घाटा हो सकता है, खेती करने से अनाज की खेती करेंगे तो घाटा का हमें सामना करना पड़ सकता है, तो अधिक मुनाफा चाहिए, ज्यादा मुनाफा चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो हमें नील की खेती करनी चाहिए, और ज्यादा ज्यादा किसानों ने नील की खेती करना स्टार्ट कर दिया। जो यूरोपीय बागान मालिक हुआ करते थे, जो जो मतलब बाहर के जो आए हुए थे बागान मालिक, उन्होंने क्या किया, भूमि की जुताई या कोई या तो प्रत्यक्ष रूप से किसानों या पट्टेदारों के माध्यम से करवाई उन्होंने। यहाँ पे ये भी किया गया, जैसे यूरोपीय जो लोग हुआ करते थे ना जो बाहर से आए थे, जैसे आप देखोगे कि ब्रिटिश सरकार के लोग सिर्फ हमें गुलाम नहीं बना रखे थे, ठीक है, अलग अलग जगह के फ्रांस के लोग भी भारत के अंदर में आ रखे थे, पुर्तगाली भी आ रखे थे, ठीक है, तो अलग अलग जगह के लोग आ रखे थे। जो यूरोपीय लोग थे तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हर बार जमीन ये नहीं था कि किसान ही जमीन किराए पे ले रहा है, जो यूरोपीय लोग थे वो भी उन्होंने किराए पे ली, एक अवधि के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए उन्होंने किराए पे ली, और किराए पे लेने के बाद ना उन जमीनों पे किसानों के द्वारा वहां पे खेती करवाई गई, जो छोटे किसान हुआ करते थे, जो छोटे भूमिहीन किसान हुआ करते थे, उनसे वहां पे खेती करवाई गई, और वहां पे अनाज की अपेक्षा नील को खेती, नील की खेती करवाना स्टार्ट किया गया। और कई बार क्या होता था, जो किसान खेती करने के लिए तैयार नहीं होते थे तो उनके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ जाता था, और भी बहुत सारे रूल रेगुलेशंस वहां पे लागू कर दिया गया था, जहां पे किसानों को कहीं ना कहीं खेती करना पड़ता था, और किसानों के साथ में कुछ शर्तें ये तय की गई कि जो भी जमीन है आप जिस पे खेती कर रहे हो, आप इतना टैक्स पे करोगे या इतना दोगे तो ये जमीन आपकी हो जाएगी, इतनी खेती के बाद आपकी हो जाएगी, इस तरीके से भी चीजें लागू की गई। और यूरोपीय जो मालिक थे उन्होंने पहले सबसे पहले जमींदारों से जमीन अपने अंडर में लिया, प्रत्यक्ष रूप से जमीन के ऊपर में कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद किसान और पट्टेदार, जो किसान को जो खेती के लिए जमीन को पट्टे पे लगाते हैं, तो पट्टेदार के माध्यम से ये व्यवस्था उन्होंने लागू किया कि किस तरीके से हम खेती कर सकते हैं। इस व्यवस्था के अंदर में पट्टेदार का जो हिस्सा होता था अधिक घाटे में जाने लगा, ठीक है, जो उनकी खेती करने के लिए जो पूरा व्यवस्था करना, किस तरह से खेती करना, जुताई करना, प्रत्यक्ष रूप से किसान के तौर पे पट्टेदार का माध्यम से, तो ये पट्टेदारी की जो व्यवस्था थी ना उसके कारण से क्या हुआ कि उनको अधिक से अधिक घाटा होने लगा और वो घाटे में रहने लगे। तो 1917 के अंदर में जो विश्व बाजार के अंदर में नील की मांग थी वो बहुत ज्यादा घट गई। 1917 से पहले तक नील की मांग पूरे विश्व के अंदर में बहुत ज्यादा था, इसको दवाई बनाने के लिए, अफीम बनाने के लिए अलग अलग जगह पे इसका उपयोग किया जाता था। कपड़ों का जो व्यापार था वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसके अंदर में नील का उपयोग कलरिंग करने के लिए किया जाता था। पर 1917 के बाद क्या देखा गया कि नील की जो मांग है वो बहुत ज्यादा तेजी से घटने लगा। इसका एक रीजन ये भी था कि 1917 के बाद ना अलग अलग तरह से चीजें, टेक्नोलॉजी विकसित हुई, ठीक है, तकनीकी तौर पर विकास हुआ, जिसके कारण से अलग अलग ऑप्शनल चीजें और आ चुकी थी, तो नील की जो मांग थी विश्व बाजार के अंदर में वो घटती चली गई, और उसकी मांग जो पट्टेदार, इसके कारण से क्या हुआ, जो पट्टेदार लोग थे जो खेती इसकी कर रहे थे उसको भी उनको प्रभावित, उनका इम्पैक्ट उनके ऊपर में देखने के लिए मिल जाता है। कपड़े, केरोसिन, नमक और जो अन्य वस्तुएं थी वो भी ज्यादातर महंगी हो गई, जिसका इम्पैक्ट भी इनके ऊपर में देखा जाता है। चंपारण के क्षेत्र की अगर आप बात करोगे तो तीन कठिया व्यवस्था लागू किया गया। तीन कठिया व्यवस्था था क्या, तो एक तरह से किसानों के लिए सिरदर्द का काम किया तीन कठिया व्यवस्था। तीन कठिया व्यवस्था था क्या, तो इसके अंदर में किसान के प्रति बीघा जमीन को 3 कट्ठा नील की खेती के लिए तय कर दिया गया। जो भी जमीन किसान थे, जिनकी जितनी भी जमीन थी, अगर मान लो किसी की किसान की जमीन 10 कट्ठा है, तो 10 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे ना कंपलसरी कर दिया गया कि 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती करनी ही करनी है, 7 कट्ठा पे आप बाकी कुछ भी उगाओ उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 3 कठिया व्यवस्था यहाँ पे लागू किया गया, जिसके अंदर में 3 कट्ठे पे नील की खेती कंपलसरी कर दी गई कि 3 कट्ठे पे नील की खेती आपको करनी ही करनी है, जिसके बेसिस पे ये जमीन पे आपका टैक्स कम हो जाएगा, बाकी चीजें ऐसी हो जाएंगी, आपका कर माफ कर देंगे, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस भी यहाँ पे लागू कर दिया गया, जिसके इम्पैक्ट में, लालच में या फिर अधिक मुनाफे के चक्कर में किसानों ने यहाँ पे नील की खेती करना स्टार्ट किया। बगान के जो मालिक हुआ करते थे इस बात पे जोर दिया कि नील खेती सर्वाधिक उपजाऊ जमीन पे होनी चाहिए, जितनी भी सबसे ज्यादा जो उपजाऊ जमीन है उस पर करो, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, इस बात पे जोर दिया गया। पर इसका इम्पैक्ट ये देखा गया लॉन्ग टर्म के अंदर में, जो उपजाऊ जमीन थी धीरे धीरे अपनी उपजाऊ शक्ति खत्म करती जा रही थी, कम होती जा रही थी, और जो जमीन है वो धीरे धीरे बंजर बनती जा रही थी, ठीक है, बैरर जमीन के तौर पे जाने जाने लगा, ठीक है। तो ये चीजें भी यहाँ पे इम्पैक्ट के तौर पे देखा गया। नील की खेती के लिए किसानों को जमीन का जो क्षेत्रफल था, ये क्षेत्रफल के आधार पर राशि नियत की गई कि जितनी आपका जमीन का क्षेत्रफल होगा ना उसके आधार पर आपको पैसा दिया जाएगा, उसकी राशि दी जाएगी, ठीक है, ये चीजें की गई। फसल के उत्पादन के परिणाम के आधार पर नियत होने वाले किसानों का घाटा भी था, ठीक है, परंतु मजबूरी में खेती करते थे, जैसे फसल जितना भी होता था ना उसके आधार पर क्या घाटा लग रहा है, क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, और व्यवस्था उसके लिए करना, नील की खेती के लिए व्यवस्था करना, ठीक है, जमींदारों से पैसे लेना, साहूकारों से कर्जा लेना, क्योंकि अगर आपके पास खेत है तो आपको 3 कट्ठे में नील की खेती करनी करनी है, क्योंकि 3 कट्ठे व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई। पर खेती करने के लिए, नील की खेती करने के लिए ज्यादा ज्यादा पानी की व्यवस्था करना पड़ता था, ज्यादा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था,
और ज्यादातर टाइम ये देखा गया कि इसका कहीं ना कहीं घाटा ही होता था किसानों को, और एक मजबूरी में, क्योंकि ये रूल रेगुलेशंस के कारण से यहाँ पे खेती करनी करनी होती थी, तो ये चीजें भी यहाँ पे नोट डाउन की गई। यहाँ पे चंपारण आंदोलन आपको समझ में आता है। आगे हम बात करेंगे खेड़ा आंदोलन के बारे में। इसी आंदोलन के अंदर में जो यहाँ की जो स्थिति थी, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति, वो तो मैंने समझा दिया आपको। इसी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के कारण से जो किसान थे उन्होंने आंदोलन किया, और गांधी जी को इसके अंदर में इंटरफेयर करने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए बुलाया गया कि आप आइए यहाँ पर देखिए क्या चीजें, किस क्या स्थिति है, आप यहाँ पे आकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए किस तरह से हम इसको चीजें कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। यहाँ पे गांधी जी को इसको लिए बुलाया गया, जिसके बेसिस पे जो बिहार सरकार था, गांधी जी जब आते हैं तो नॉर्मली सबसे पहला एक आइडियोलॉजी सबके मन में क्या होता है कि भैया ये बंदा जो साधारण सा बंदा है, जिसका एक कपड़ा पहन रखा है, प्रॉपर कपड़े नहीं है, ऐसी सूखा सा बंदा है, ये क्या कर लेगा, ये क्या आंदोलन करेगा, इसको मारेंगे दो चप्पे टटा, हट जाएगा इधर सुधर। पर जब गांधी जी के सपोर्ट में जब लोग खड़े होते हैं ना, जब लोगों को ये लगता है कि इतना दूर से बंदा हमारे लिए आया तो हमें लिए इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, जब पावर समझ में आता है ना गांधी जी को और लोगों को उसका समझ में आता है कि हमारे अंदर में पावर क्या है, जो सरकार हो जाती है ना वो एक आयोग बनाता है जिसमें किसानों के हित में निर्णय लिया जाता है कि किसानों को ये चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें यहीं से गांधी जी की शुरुआत मानी जाती है, और भारत की आजादी के लिए प्रथम स्टेप माना जाता है कि ये जो चीजें हैं किस तरीके से बदल सकती हैं, जो अंग्रेज हैं वो किस तरीके से जा सकते हैं, स्वतंत्रता किस तरह से मिल सकती है, यहाँ से चीजें समझ में आता है। ठीक है, समझ में आता है, तो ये हमारा चंपारण आंदोलन हो गया। दूसरा हम बात करेंगे खेड़ा आंदोलन के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। द इन अप पे जितने भी एमए हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज है सभी ऑलरेडी मैंने बना रखी है, तो उन वीडियोज को जाके देख सकते हो। आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पे जाइए डायरेक्ट उन प्लेलिस्ट को देखिए। और अच्छे नंबर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्व वीडियोस हैं, अगर आप उन वीडियोस को देखते हो तो आपको सिलेबस का जो कवर करने में ना समय कम लगने वाला है, और ऑलमोस्ट एक वीडियो को देखकर आप 90% सिलेबस आप इजिली कवर कर सकते हो। तो उन वीडियोस को भी जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और नव इन्फो पे जितनी भी इग्नू से रिलेटेड आपकी अपडेट, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट, आपके कॉलेज से रिलेटेड अपडेट है, टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके एक एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से मेहनत कर सके और अच्छे से वीडियोस बना सके और आपके सामने लेकर आ सके। एक रिक्वेस्ट यहाँ पे ये भी करूँगा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप गूगल ब्लॉगर के लिंक पे जाकर, डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक मिल जाएगा गूगल ब्लॉगर का, या फिर चैनल के अबाउट के अंदर में भी लिंक मिल जाएगा गूगल ब्लॉगर का, वहां से डायरेक्टली जाकर आप गूगल ब्लॉगर पे ये नोट्स पढ़ सकते हैं, वहां से स्टडी कर सकते हैं। और बाकी जो चैप्टर्स है, इससे पहले जो चैप्टर्स करवाए कुछ टाइम के अंदर में, उनके भी नोट्स आपको गूगल ब्लॉगर पे मिल जाएंगे, तो उसको भी जाकर आप स्टडी वहां से कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं खेड़ा आंदोलन के बारे में। जो खेड़ा आंदोलन हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, खेड़ा में किसान जो थे, किसान सरकारों से टैक्स की छूट की मांग कर रहे थे, जो भी उनके ऊपर में टैक्स लागू किया गया था उसकी छूट की मांग की गई, भैया हमें कुछ छूट दीजिए, इस तरह की मांग की गई। किसानों को कष्ट फसल बर्बादी और कीमतों की वृद्धि के कारण था, जो किसान थे वो परेशान इसलिए थे क्योंकि फसल की बर्बादी हुई, और उसके बाद क्या हुआ कि जो कीमत थी उसकी कीमत भी बढ़ा दी गई, टैक्स भी बढ़ा दिया गया, अब फसल बर्बाद हो गया, कीमत बढ़ गई है तो टैक्स कहाँ से पे करेंगे, इसके कारण से यहाँ पे टैक्स की छूट की मांग की गई। किसानों के ऊपर जो ऋण था, कर्जा था, उसके जैसे फसल को उगाने के लिए उन्होंने कर्जा लेना स्टार्ट कर दिया, तो कर्जा लेने के कारण ऋण तो बढ़ गया, फसल तो अच्छी हुई नहीं, जिसके कारण से कीमत भी बढ़ गई फसल की, अब वो खाने के लिए पैसे नहीं, अब चुकाएंगे क्या, तो उनके कारण से क्या हुआ, सरकार से उन्हें कर्ज मुक्ति के लिए, जो सरकार था वो कर्ज मुक्ति देने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण से यहाँ पे खेड़ा आंदोलन स्टार्ट किया गया। 1918 में कृषकों का एक वर्णन, जो मतलब किसानों के शब्द में ही कहा गया, किसानों ने कहा कि हमारे ऊपर प्लेग का संकट मंडरा रहा है। प्लेग होता क्या है, तो प्लेग का एक महामारी, बीमारी का नाम है महामारी, ठीक है, जो किसानों की स्थिति थी 1918 के अंदर में, जब यहाँ पे फसल बर्बाद हो गई, उन्होंने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया, लोन ले लिया जमींदारों से, अलग अलग जगह से लोन ले लिया, और गवर्नमेंट उन लोगों को मुक्ति देने के लिए तैयार नहीं था लोन के ऊपर में, कि चलो आप लोन मत भरना, अगर आपका फसल नुकसान हो गया क्या लोन भरोगे, इस तरह की चीजें करने के लिए तैयार नहीं था। तो किसानों का ये कहना था, उनका वाक्य ये था कि हमारे ऊपर प्लेग का संकट मंडरा रहा है, कि हम कब मर जाएं, क्या चीज हो जाए, हमें पता नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को एक बीमारी का कहा कि हमारे ऊपर एक बीमारी है, जो कर्जा है ना, एक बीमारी के तौर पर यहाँ पे आइडेंटिफाई किया उन्होंने। यहाँ पे आगे हम बात करें तो कुछ लोगों का विचार था कि होम रूल आंदोलन से संबंधित लोग गुजरात के सभा में आंदोलनों को सदस्य को खेड़ा के किसानों को उकसाया था। जैसे होम रूल लीग आंदोलन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 9 के अंदर में, ठीक है, तो कुछ लोग जो सरकारी लोग थे उनका ये मानना था जो होम रूल लीग का जो आंदोलन हुआ उसके जो लोग थे, उनसे जो संबंधित लोग थे जो उसके अंदर में लीड कर रहे थे,
ठीक है, जो उसके अंदर में जुड़े हुए थे, उन लोगों ने क्या किया, गुजरात के अंदर में सभाएं करी, उनके सदस्यों ने क्या किया, किसानों को उकसाया, किसानों को उकसाया कि आप आंदोलन करो, इस तरह की यहाँ पे विचारधाराएं चल रही थी। 1918 के अंदर में एक सभा होता है, गांधी जी द्वारा एक सभा किया जाता है, गांधी जी ने कहा कि खेड़ा आंदोलन में बाहरी लोगों की कोई भूमिका नहीं है। जैसे अंग्रेजी सरकार जब ये कहने लगी ना कि जो लोग हैं बाहरी लोग हैं वो इस आंदोलन के अंदर में इंटरफेयर कर रहे हैं, जैसे आप एग्जाम्पल्स इस तरीके से समझो कि भारत के अंदर में किसान आंदोलन हुआ, तो किसान आंदोलन हुआ तो गवर्नमेंट बार बार कह रही थी कि जो बाहर की पावर है ना, फॉरेन पावर्स हैं, फॉरेन के जो लोग हैं जो भारत को टुकड़े करना चाहते हैं, जो भारत को शांति स्थापित नहीं रहना चाहते, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो चाहे जो हो, उस आंदोलन को हाईजेक कर लिया है और अपने हिसाब से उस आंदोलन को चला रहे हैं, बाहरी लोग किसानों को उकसा रहे हैं, ये चीजें कही जा रही थी और ये रियलिटी भी था। आप देखोगे जैसे मियाँ खलीफा का कहना, ठीक है, रिहाना का कहना, ठीक है, और कनाडा से बाकी जगहों से अलग अलग जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे उनका इन्वॉल्वमेंट होना किसानी आंदोलन के अंदर में, किसान आंदोलन के अंदर में, जबकि उनको किसान की स्पेलिंग भी प्रॉपर, जो भारत के अंदर में चीजें है ना उसके बारे में नहीं पता, पर फिर भी उनका बोलना, मियाँ खलीफा के बारे में आप सभी जानते हो क्योंकि बहुत अच्छे अलग लेवल की सेलिब्रिटी है, ठीक है, लोग बहुत ज्यादा देखना पसंद करते हैं उसको, भारत की जो कहाँ पे क्या आंदोलन हो रहा है ना, किस जगह पे आंदोलन हो रहा है, कहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, क्या मुद्दा है, कौन सा क्या चीज था, उसके बारे में उसको ABCD नहीं पता होगा। इवन वो जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहां के किसानों का क्या मुद्दा है, क्या प्रॉब्लम, उसको वो नहीं पता होगा, वो भारत के मुद्दे पे ट्वीट कर रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहा गया भारतीय सरकार के द्वारा जब किसान आंदोलन चल रहा था कि भारत के जो किसान आंदोलन है उसको हाईजैक कर लिया गया बाहरी ताकतों के द्वारा में। तो सेम चीज जो होम रूल लीग आंदोलन के जो सदस्य थे, जब उन्होंने गुजरात में सभाएं करी, उनके सदस्य ने किसानों से मिला, तो ये मानना था सरकार का कि इन्होंने किसानों को उकसाया, उसके बेसिस पे गांधी जी 1918 के अंदर में बॉम्बे के अंदर में एक सभा कर रहे थे। उस सभा के अंदर में गांधी जी ने कहा कि जो भी खेड़ा के अंदर में आंदोलन होगा ना उसके अंदर में कोई भी बाहरी लोग का भूमिका नहीं है, वहां पे किसी भी दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसके पीछे कोई राजनीतिक प्रयोजन नहीं है, ये जो विरोध है किसानों ने शुरू किया और ये किसानों का आंदोलन है, गांधी जी का ये कहना था। गोधरा के अंदर में राजनीतिक सम्मेलन के बाद खेड़ा के कुछ किसानों ने अधिक वर्षा होने के संदर्भ में सरकार से कुछ रियायतों और अनुरोध किया, ठीक है, इसके और ध्यान नहीं दिया गया। किसानों ने कहा कि भैया देखो जो गोधरा के अंदर में एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ उसके बाद में खेड़ा के जो किसान थे वो ये चाहते थे कि अधिक वर्षा हो, ऐसा मानना था उनका, जिसके बाद उन्होंने सरकार से कुछ उम्मीद करी, उन्होंने एक रियायतों के बारे में बात करी कि आप हमें कुछ छूट दे दीजिए, अगर अधिक वर्षा होती है ये चीजें होती है तो इस तरह से फसल बढ़ेगा, फसल अगर पैदावार ज्यादा होगा तो हम ज्यादा टैक्स दे पाएंगे, चीजें इस तरह से करी, पर इसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद से यहाँ पे आंदोलन तेजी से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप आगे बात करें तो यहाँ पे दो स्थानीय नेताओं के द्वारा मोहनलाल कामेश्वर पांड्या और शेखर लाल पारिखर, यहाँ पे दो स्थानीय नेता थे, मोहनलाल कामेश्वर पांड्या और शेखर लाल पारिखर करके दो नेता होते हैं। इन्होंने किसान आंदोलन को भांपते हुए बॉम्बे के जो सरकार थी उनसे अपील करी कि कर देने के लिए किसानों को विवश ना किया जाए। इन्होंने रिक्वेस्ट किया बॉम्बे सरकार से कि आप लोगों के ऊपर में जोर मत डालो, विवश मत करो, इनके ऊपर प्रेशर मत डालो कि टैक्स दें, क्योंकि ये आंदोलन हो सकता है। इन्होंने आंदोलन को पहले ही भांप लिया था और उन्होंने गुजरात सभा के अंदर में अहमदाबाद के सदस्य जो थे किसानों के साथ में समर्थन की अपील करी। जो गुजरात अहमदाबाद के जो सदस्य थे गुजरात सभा के अंदर में जो भी मीटिंग्स हो रही थी, अहमदाबाद सदस्य जो लोग थे उन्होंने कहा किसानों का जो ये आंदोलन हो रहा है उसके लिए समर्थन कीजिए, इसके बारे में बात की गई। यही नहीं, उन्होंने गांधी जी को भी चंपारण में संदेश भेजा कि यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, आप आइए यहाँ पे मदद कीजिए। गांधी जी ने ये कहा कि अभी तो मैं चंपारण के अंदर में फंसा हुआ हूँ, यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, इसको पहले मैं सॉर्ट आउट कर दूँ, एक बार फिर मैं उसके बाद आऊंगा। पर गांधी जी ने उसके लिए यहाँ पे मोटिवेट रहने के लिए बात करी, डटकर लड़ने की बात करी कि आप डटकर लड़िए, यहाँ पे इस तरह से लड़िए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, यहाँ पे ये चीजें रहेंगी, इस तरह से रहेंगी। गांधी जी ने इनका मार्गदर्शन यहाँ पर भी किया। नॉर्मल जो ये टाइम पीरियड चल रहा था वहां पे गांधी जी चंपारण के अंदर में फंसे हुए थे, जहां पे जो अंग्रेजी सरकार था उनसे उनका तनातनी चल रहा था, जिसको लेकर गांधी जी ने ये लेटर लिखा था खेड़ा के अंदर में कि जो भी किसान आंदोलन है वो अपनी मांगों पे डटे रहे, ऐसा ना हो कि मांगों से अपने पीछे हट जाए और अंग्रेजी सरकार जीत जाए, ये भी चीजें यहाँ पे कही गई थी। आगे हम बात करें तो गुजरात सभा के अंदर में जो भी अध्यक्ष थे उन्होंने गांधी ने जो गुजरात सभा के अध्यक्ष गांधी ने बॉम्बे सरकार के कुछ मामलों में छूट देने और राजस्व की मांग को स्थगित करने की अपील करी गांधी जी ने जो गुजरात सरकार थी उस समय की, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार थी उनसे। सकारात्मक प्रतिक्रिया ना मिलने पर किसानों को भू राजस्व देने से मना कर दिया गया। जब गांधी जी ने देखा कि मैंने जो रिक्वेस्ट करी छूट देने की, राजस्व ना
मांग को स्थगित करने की, जो टैक्स मांगा जा रहा है उसको कुछ टाइम के लिए टाल देने की, पर उसके ऊपर में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिला, उसके ऊपर में कोई रिएक्शन, सकारात्मक रिएक्शन नहीं मिला, पॉजिटिव रिएक्शन नहीं मिला, जिसके बाद गांधी जी ने किसानों से रिक्वेस्ट करी कि आप जो भू राशन देने वाले थे उसको देने से मना कर दो, इनकार कर दो, मत दो। इसके बारे में यहां से ये आंदोलन स्टार्ट हो जाता है गांधी जी के मार्गदर्शन से। यहां पे आगे हम बात करते हैं कि सरकार ने जांच के बाद ठीक है इस निष्कर्ष पर पहुंचती कि भू राशन स्थगित करके करने का कोई कारण नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी कारण से हम रीजन से जो भू राशन हम ले रहे हैं उसको स्थगित कर दें। प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्थानीय राशन को रोकने हेतु किसानों ने असंतोष और प्रदर्शन का खूब प्रसार किया। ठीक है, गांधी जी ने स्वयं जांच द्वारा पाया है कि किसानों का मांग उचित है। गांधी जी ने जब जांच किया तो वहां पे दिखा, पता चलता है ये मांग उचित है। इस संबंध में सरकार द्वारा आश्वासन ना मिलने हेतु मिलता देखा तो उन्होंने गुजरात की सभाओं में बैठक में सत्याग्रह का सहारा लेने का निर्णय किया, परंतु शीघ्र ही सरकार मांगों पर विचार करना शुरू कर दिया। अब देखो गांधी जी जब तक चंपारण में थे तो वहां पे सबसे पहले तो उन्होंने लोगों की पावर समझ ली, जो उनका राजनीतिक दर्शन था जिसके बारे में पार्ट वन के अंदर में डिस्कस किया वो भी उनको समझ में आ चुका था कि किस तरह से इसका हम उपयोग कर सकते हैं। लोगों के अंदर में पावर तो है, लोगों के अंदर में चीजें तो है, लोग जानते तो है, पर लोगों को ये नहीं पता हम खड़े कैसे हों, लड़े कैसे अपने लिए। ठीक है, लोग जानते हैं कि लड़ना है पर लड़े कैसे ये नहीं पता, हथियार उठाकर हिंसा करके ही हम अपनी चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी समझ में आ चुका था गांधी जी को। तो जब गांधी जी ने पहले जो जो सरकार थी उनको जांच किया उन्होंने सरकार ने, तो सरकार ने बताया कि भैया जो भू राशि व्यवस्था है उसके अंदर में कोई ऐसी कमी है नहीं। ठीक है, इसके कारण से ऐसा कुछ है नहीं कमी जिसके कारण से हम इसको स्थगित कर दें, हटा दें, खत्म कर दें, ऐसा कुछ है नहीं। तो गांधी जी ने जिसके बाद ना खुद भी जांच किया, उसके बारे में समझा सोचा, उसके बाद उन्हें लगा जो किसान मांग कर रहे हैं ना वो उचित मांग है, ऐसा नहीं कि किसान गलत मांग कर रहे हैं। और गांधी जी ने यहाँ पे सत्याग्रह करने का यहाँ पे अल्टीमेटम देते कि अगर आप नहीं मानोगे ना हमारी बात हम यहाँ पे सत्याग्रह करेंगे। अब यहाँ पे अंग्रेजों को ये लग जाता है कि गांधी ने चंपारण के अंदर में सत्याग्रह किया तो पूरा रूल रेगुलेशन चेंज हो गया, जो वहाँ के लोग थे वो पूरा एकदम हिंसक हो गए, एकदम आगे उठकर आगे खड़े हो गए। ठीक है, अगर यहाँ गुजरात के अंदर में भी हुआ तो यहाँ की स्थिति बदल जाएगी, जिसके बाद यहाँ पे जो भी सरकार था फटाफट सरकारों ने यहाँ पे मांगों पे जो भी मांग की जा रही थी उसके ऊपर विचार करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम आगे अहमदाबाद के सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बात करें तो अहमदाबाद के अंदर में जो मजदूर लोग थे, ठीक है, मजदूर लोग उनका आंदोलन था मिल के मजदूरों को लेकर, 1918 के अंदर में एक आंदोलन चलाया गया जिसको हम अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम पर जानते हैं। इसके अंदर में जो टेक्सटाइल मिल थे, जो कपड़ों के मिल थे, उसके अंदर में निरंतर वृद्धि हो रही थी, परंतु 1918 से लेकर 1919 के अंदर में उत्पादन तो घट रहा था पर मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसके अंदर में जो श्रमिक थे वो बहुत ज्यादा मांग करने लगे, अधिक मांग थी, श्रमिकों की मांग बढ़ती जा रही थी, उत्पादन घटता जा रहा था, जिसके कारण से श्रमिकों की मांग बढ़ती चली गई, मिल की जो वृद्धि होती चली गई, पहले 2 मिल थे, 4 बनाए गया, 4 के बाद 5 बनाया गया, जो श्रमिकों की संख्या थी उसकी मांग भी यहाँ पे बढ़ती चली गई। तो 1917 के अंदर में अहमदाबाद के अंदर में प्लेग जैसे बीमारी फैलने के कारण से क्या हुआ, लोग शहर छोड़ने पे विवश हो गए और शहर छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने लगे, विस्थापित होने लगे। मिल मालिकों ने क्या किया, मजदूरों को रोकने के लिए वेतन को 75% अधिक बोनस दे दिया, जितना भी उनका सैलरी था ना उसका 75% उनको बोनस के तौर पर दिया गया, जिसके बाद प्लेग समाप्त होते ही फरवरी 1918 के अंदर में बोनस बंद कर दिया गया, जो भी सैलरी थी उसको बढ़ा दिया गया। जिसके बाद ना मेन रीजन क्या था कि जो भी मजदूर है वो यहीं रुक जाएं, क्योंकि प्लेग जब फैला तो जितने ही मजदूर थे एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहे थे। जैसे आप दिल्ली की कोरोना की अगर बात करो, जब भारत के अंदर में कोरोना फैला तो दिल्ली का कुछ मंजर इस प्रकार का था, दिल्ली इवन ऑल ओवर इंडिया का, कि मजदूर जितने भी थे ना एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहे थे, भागे जा रहे थे, ठीक है, बिना आगे पीछे देखे भागे जा रहे थे। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि मजदूर के साथ ये प्रॉब्लम ये था कि वो सुबह कमाते हैं, दिन भर कमाते हैं तो शाम को खाते हैं, ठीक है, फिर अगले दिन कमाते हैं तो शाम को खाते हैं, रोज खाना कमाना रोज खाना, इस तरह की चीजें थी। अगर काम ही नहीं चल रहा है, चीजें ही बंद है तो करेंगे क्या। तो यहाँ पे जब बीमारी फैलने लगी तो यहाँ पे क्या हुआ, मजदूर भागने लगे, विस्थापित होने लगे। तो यहाँ पे मिल मालिकों ने क्या किया, 75% से अधिक बोनस देने का यहाँ पे लालच दिया और उसके बाद उनको रोक लिया। जैसे ही वो रुक गए 1918 के अंदर में प्लेग का जो बोनस था उन्होंने बंद कर दिया, जिसके बाद जो मजदूर थे ना वो भड़क गए और उनकी जो स्थिति थी वो धीरे धीरे खराब होती चली गई। प्लेग के बोनस बंद होने के कारण से क्या हुआ, मजदूर भड़क गए, उनके अंदर में असंतोष फैल गया। उनका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि उनकी परेशानी के कारण से युद्ध चल रहा था, युद्ध ने क्या किया, महंगाई को बढ़ा दिया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण से महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने के कारण से क्या हुआ, मजदूरों के पास में प्रॉपर पैसे नहीं थे, चीजें नहीं थे कि वो अपनी घर फैमिली को रेगुलेट कर सके, चला सके, सही से खा पी सकते। तो उसके कारण से मजदूरों के अंदर में यहाँ पे असंतोष और यहाँ पे असंतोष की भावना जग जाती है और यहाँ से आगे चीजें स्टार्ट हो जाती है। मजदूरों के अंदर में असंतोष का विषय जागते गुजरात सभा के जो सचिव थे उन्होंने गांधी जी को आने का प्रस्ताव भेजा कि आप गांधी जी आइए यहाँ पर
और आने के बाद आप इस मामले को निपटाइए, आप इसको लीड कीजिए, आप यहाँ पे अपना जो भी विचार है, जो भी आपका अनुभव है उसको यहाँ पे साझा कीजिए। इस तरह से रखा गया, गुजरात सभा के सचिव के द्वारा गांधी जी को यहाँ पे इन्विटेशन भेजा गया बुलाने का, ठीक है, जिसमें गांधी जी को पहले से ही जो भी मिल मालिक के जो भी चीजें चल रही थी उसके बारे में पहले से ही पता था, ठीक है। यहाँ पे अंबाला सारा भाई करके, ठीक है, अंबालाल सारा भाई करके अनुरोध किया कि उन्होंने मजदूरों के ऊपर में दबाव, मजदूरों की जो दर है वो बढ़ा दें, जो भी उनकी मजदूरी की दर है वो बढ़ा दिया जाए, किस तरीके से मजदूरी करवानी है, क्या करना है, वो रूल रेगुलेशन सेट किया जाए। गांधी जी ने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी जो मिल के मालिक थे सारा भाई, अंबल भाई सारा भाई से, ठीक है, अंबल अंबालाल सारा भाई से, ठीक है। ये सारा भाई आप ये सकते हो विक्रम सारा भाई के फादर थे शायद, आई होप सो, मुझे जो याद है, क्योंकि जो रॉकेट वेब सीरीज थी अगर आपने देखा होगा तो सारा भाई के जो विक्रम सारा भाई थे उनका खुद का भी एक मिल, कपड़ों का फैक्ट्री था जहाँ पे कपड़ों के अंदर में काम करते थे, मिल मालिक थे वो भी उनके फादर। तो शायद आई होप सो जो गांधी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं अंबला लाल सारा भाई ये उनके फादर हैं। एक बार जो भी स्टूडेंट जिनको पता है सारा भाई का फादर का नाम क्या था विक्रम सारा भाई के, तो आप उनको कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे चलो एक वीडियो ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द वीडियो भी इसको मान के चल सकते हो। विक्रम सारा भाई जो साइंटिस्ट थे, महान वैज्ञानिक के तौर पर जाने गए, जिनके कारण से आज हम परमाणु जो हमारे भारत के अंदर परमाणु परीक्षण कर पाए, ठीक है, आज भारत परमाणु संपन्न देश है, बाकी देशों के अंदर में हम सर ऊंचा फटके करके खड़ा रह सकते हैं, ठीक है। जो भी स्थिति आज भारत की रॉकेट के मामले में, साइंस के मामले में, विक्रम साराभाई का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। तो उनके फादर का नाम क्या था, क्या ये जो नाम है अमला लाल साराभाई यही उनका नाम था, या गांधी जी जिसके बारे में बात कर रहे यही थे, आप कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। आगे मैं बात करूं तो मजदूरों की एक सभा में आकर गांधी जी ने मजदूरों की जो शिकायत थी उसके निपटारे के लिए शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया। वहां पे अहिंसा करने के बारे में बात नहीं करी गांधी जी ने, ताकि जो भी इनका रूल है, रेगुलेशन है, जो भी प्रॉब्लम है, शांति से इसको निपटाया जाए, इसके बारे में उन्होंने रिक्वेस्ट करी। गांधी ने स्थानीय सरकार के द्वारा नियमित पंचायत मंडलों के अंदर में मजदूरों के प्रतिनिधित्व किया, परंतु पंचायती प्रक्रिया के प्रक्रिया को ना मानते हुए कोई कई मजदूरों ने हड़ताल पर चले गए और मिल मालिकों को तालाबंदी कर दिया गया, ठीक है। जैसे जो भी पंचायती प्रक्रिया हो रही थी, किस तरीके से चलना है, क्या करना है, पर उसको मजदूरों ने नहीं माना, नहीं मानते हुए क्या किया कि उन्होंने हड़ताल पे चले गए, जिसके कारण से जो मिल मालिक थे उनको तालाबंदी करना पड़ा, मिल को अपने बंद करने पड़े। इस तरीके से यहाँ पर बनकर आ जाती है स्थिति को गंभीरता को देखते हुए गांधी जी ने मजदूरों को तर्कसंगत बढ़ोतरी के लिए सत्याग्रही के हस्तक्षेप हेतु एक शपथ मसौदा तैयार किया, जिसके जिस पर्चे के माध्यम से सत्याग्रह के सिद्धांतों का प्रशिक्षण किया गया, मजदूरों को बताया गया कि देखो आपको इस तरह से चीजें नहीं करनी है, सत्याग्रह करना है। यहाँ पे सत्याग्रह का जो सिद्धांत है उसको वहां पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लोगों के सामने में रखा कि इस तरीके से हम यहाँ पे चीजें कर सकते हैं, आपको इसके लिए तैयार होना है, ये करना है। तो गांधी जी ने मजदूरों के सामने में ये बात रखी। गांधी जी ने नैतिक दबाव बनाने हेतु उपवास की घोषणा करी कि भैया मैं अनशन करूंगा, मैं यहाँ पे उपवास पे बैठ जाऊंगा, फास्ट बैठ जाऊंगा, ठीक है। शीघ्र ही मिल जो मालिक थे उन्होंने मजदूरों की दिहाड़ी में जो थी वो वृद्धि कर दी और इसको लेकर एक समझौता तय कर लिया गया, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली ये जब चीजें देखोगे ना, जब गांधी जी कुछ भी बोलते थे तो बहुत जल्दी इसके ऊपर एक्शन लिया जाता था। इसका सबसे बड़ा रीजन था ना कि जो चंपारण के अंदर में हुआ, चंपारण से पहले तक अंग्रेजों को गांधी जी के पावर के बारे में नहीं पता था। गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से आए तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर में उन्होंने लोगों की पावर समझी, ठीक है, वहां पे जो लोग थे किस तरीके से गांधी जी को चाहते थे, ठीक है, गांधी जी के जो विचारधारा था किस तरह से इंप्लीमेंट करने पर वर्क करती है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के अंदर में ये चीज समझ में आ गया था। जब चंपारण आंदोलन हुआ तो गांधी जी ने यहाँ पे समझा कि लोगों की पावर अगर आपके साथ में हो, लोग आपके साथ में खड़े हो, तो बड़ा से बड़ा जो पावर होता है ना वो भी झुक जाता है, वो भी आपके आगे घुटने टेक देता है। गांधी जी को ये चीज समझ में आ जाता है। जिसके बाद जब जब गांधी जी ने ये अल्टीमेटम दिया, चाहे आप खेड़ा के अंदर में बात करो, जब सरकार को बोला कि हम इसके आगे सत्याग्रह करने के लिए जाएंगे, ठीक है, तब सरकार झुक गई और उसके बात मानने के लिए तैयार हो गई, जो भी यहाँ पे किसान आंदोलन थे। सेम चीज अहमदाबाद के अंदर में जो मजदूरों के साथ में मिल मालिकों का झड़प चल रहा था, जब गांधी जी ने सत्याग्रह के विचारधारा को मजदूरों के साथ में साझा किया कि हमें इस तरीके से आगे लीड करना है, और गांधी जी ने उपवास की घोषणा करी, तो जो भी मिल मालिक थे उन्होंने मजदूरों की दिहाड़ी जो थी, मजदूरी थी, उसके अंदर में वृद्धि करने का फैसला लिया, और यहां से चीजें खेड़ा आंदोलन जो होता है वो एक तरह से समाप्त हो जाता है, अहमदाबाद आंदोलन समाप्त हो जाता है, चंपारण आंदोलन आगे के रूल रेगुलेशंस पे बढ़ता है। कभी डिटेल के अंदर में हम बात करेंगे चंपारण आंदोलन के बारे में, जहां पे गांधी जी का क्या रोल रहा, यहां पे हमने राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में बात करी, वहां पे रोल क्या था गांधी जी का, उसको हम तीनों आंदोलनों का डिटेल में किसी और वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, और आज का जो वीडियो था यहीं पर एंड होता है।
आप सभी व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपके एक एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से मेहनत कर पाए, वीडियो को बना पाए, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे भी जाके फॉलो करें। वहां पे अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, कुछ और क्वेश्चन हो तो वो भी आप वहां पे पूछ सकते हो। आप हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, द ईनब और नब इन्फो, दोनों के ऊपर में आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डायरेक्टली आप क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर में गूगल ब्लॉगर का लिंक है, वहां से जाके आप नोट्स ले सकते हो। नोट्स की और भी जितने भी बुक्स हैं आपके, जो बाकी मैंने वीडियोस अभी कुछ टाइम में बनाए, सबके नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगा, तो आप उनको स्टडी कर सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो, या फिर चैनल के अबाउट के अंदर में भी गूगल ब्लॉगर का लिंक मिलेगा, वहां से भी लेकर आप स्टडी कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना, वहां पे आप टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा, बाकी वीडियो से रिलेटेड, इग्नोर के नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप वहां पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी आपको अपडेट मिलता रह सकता है। यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।